सो गई थी 8 लग गया, 1 बजे सो गई थी, 3 बज गए, फटाक से मुझे निकलना पड़ेगा, मैं जल्दी होती रेडी होती हूँ एयरपोर्ट के लिए और मिलती हूँ आपसे ऑन द वे। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं बट वी आर ऑलरेडी लेट, बहुत लेट हो चुका है। फटाफट अभी जा रहे हैं लगेज लेके, पृथ्वी इधर है, चलिए जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, पहले लगेज दे देंगे ना फिर ठीक। हमारा सब काम डन हो चुका है, बोर्डिंग पास भी मिल गया है। ये रहा पृथ्वी, एक्साइटेड है ओडिशा जाने के लिए, दीदा के पास, दीदा के पास जाने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ, अभी मुझे लग रहा था लेट हो जाएंगे बट लेट नहीं हुए, टाइम से पहुंच गए। तो चलिए सिक्योरिटी का सब जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कर लेते हैं और अंदर चलते हैं। हमारा गेट नंबर 41 है, तब से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 42 गया, 41 और अंदर है, पूरा एंड में है। पृथ्वी तो बहुत एक्साइटेड है अपने दीदा से मिलेगा, मैं अपने मम्मी से मिलने के लिए जितना एक्साइटेड हूँ उसे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा वो एक्साइटेड है दीदा से मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं, और अभी मुझे ना नींद आ रहा है, अभी मुझे नींद आ रहा है, लेट्स गो। ये देख के खुश ही, बचपन में ये आएगा ना कुछ उसको टॉय चाहिए ही होता है। अभी आप बाबू, और अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, आ जाओ, अभी अभी हो गया खेलना, आ जाओ। अगर छोटे बच्चे फाइनली पहुँचे, माय गॉड 41 में पहुँचे फाइनली, इतना चल रहे हैं, चल रहे तब से। अभी कितना बजे? 6:00, 6:30 चालू होगा ना, तो अभी टाइम है, अभी 6:30 से चालू होगा, लेट्स गो भगवान। अभी हम वहाँ के बैठ गए हैं फ्लाइट में, अभी और 10-15 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करेगा और हम लोग 9 बजे तक रायपुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद रायपुर से हम लोग को 3 से 4 घंटा लगता है, बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट संबलपुर के लिए नहीं है, या तो रायपुर जाके संबलपुर जा सकते हैं या फिर भुवनेश्वर से संबलपुर जा सकते हैं, भुवनेश्वर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हम रायपुर से जाते हैं। पृथ्वी अब थोड़ा टाइम बचा है पहुँचने के लिए, खुश हो, हैप्पी? तो चलिए अभी चलते हैं रायपुर। फाइनली वी लैंडेड, रायपुर पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं कार में बैठेंगे। अभी फिर से जर्नी है 4 घंटे का, 3.5-4 घंटे का जर्नी के बाद हम संबलपुर पहुंचेंगे। हमारा तो जर्नी अच्छा ही था बट अभी यहाँ से फिर 3.5 घंटा जाना पड़ेगा। हो गई, देखा वो बोलते हो कुछ टायर्ड हो गई चीज़ का, नहीं तो बैठा हुआ अभी तक पहुँचने, अभी और 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा और लगेगा के लिए। कभी रात को 3 बजे से जर्नी स्टार्ट हुआ है पहुंचने का। तो फाइनली घर आके पहुंच गए हम लोग, इतना जर्नी करके कहाँ, मुंबई से रायपुर, रायपुर से संबलपुर होते हुए अपने घर पहुंच गए इतना घूम फिर के। और ये रही मेरी मम्मी, माँ हेलो करो, हेलो। ये मेरी मम्मी है, मम्मी को आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है आज का ये ब्लॉग मेरा ट्रैवलिंग वाला मुंबई टू संबलपुर का। मैं आज अभी ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।